नमस्कार, आप देख रहे हैं सेमन न्यूज, आपके साथ मैं हूं कनिका। गाजियाबाद से एक वीडियो सामने आया है जिसमें आमने सामने से फायरिंग हो रही है। मामला मुरादाबाद इलाके का है जहां पर रावली रोड पर दो पक्ष आपस में ही भिड़ गए। वीडियो दो दिन पुराना है जिसमें आमने सामने से गोलीबारी हो रही है। वही बताया जा रहा है कि इनमें एक पक्ष पूर्व विधायक का पक्ष है और दूसरा पक्ष इलाके के लोगों का पक्ष है। पत्थर, लाठी, डंडे सब चले थे जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो सामने आने के बाद अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। वहीं मौके की तस्वीरें देखिए। बहरहाल अब सवाल ये उठता है कि गाजियाबाद लोकसभा सीट जैसे इलाके में अगर खुलेआम सड़कों पर दिन दहाड़े इस तरह से फायरिंग होती है तो आने वाले समय में चुनाव के समय कोई अप्रिय घटना हो सकती है। मुझे थाना मुरादनगर क्षेत्र में रावली रोड पे सूचना मिली कि दो पक्षों में पथराव हो गया, फायरिंग हो गया है और जमीन विवाद को लेके, तो उसमें दोनों पक्षों में एक पक्ष पूर्व विधायक जी का बताया जा रहा है, दूसरा पक्ष यहाँ कुरैशियों का बताया जा रहा है। जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्षों में ईंटे, डंडे, लाठी, पत्थर और फायरिंग की सूचना में मिली। मौके पर प्रभारी निरीक्षक और थाने की पूरी फोर्स जो है मौके पर तुरंत अटेंड किया। अटेंड करने के बाद मौके पर हमने जो है दोनों पक्ष से जो है 4-5 अभियुक्तों को अरेस्ट कर लिया है। बाकी इस मामले में पूरी तरह से जो है गिरफ्तारी करने के लिए 3-4 थानों की फोर्स बुला ली गई है और अच्छे से दबिश दी जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आचार संहिता लगी हुई है, इसमें चुनाव का मौसम है, चुनाव चल रहा है, किसी भी प्रकार के दंगाई को, अराजक तत्व को कानून से खिलवाड़ करने की कोई भी सहूलियत नहीं दी जाएगी। इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और पूरी तरह से हमारे थाना प्रभारी और हमारी थाने की टीम ने इस मैटर को पूरी तत्परता से अटेंड किया है और किसी भी बड़ी घटना को होने से रोका है और अभी भी हम लोग दबिश दे रहे हैं और पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी।